तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। बीएमसीएम की बात करूँ तो बीएमसीएम 1100 करोड़ रुपए आराम से कमा लेती है कि भाई जोशु मगनानी एंड जैकी मगनानी भी यहाँ पे चीख चीख के बता रहे थे कि भाई छोटे 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 1100 करोड़ रुपए ये मूवी आराम से करेगी, लेकिन 1100 करोड़ रुपए तो दूर, ये मूवी 110 करोड़ भी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। वहीं वो फाइटर की बात करूँ तो इस साल की 2024 की सबसे बड़ी हिट, सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली फाइटर ही मानी जाती है, और यही नहीं ओवरसीज में भी। और देखो ओवरसीज में ये मूवी पूरी तरीके से लगी भी नहीं भाई, गल्फ की कंट्री में ये मूवी लगी भी नहीं थी, लेकिन बीएमसीएम यहाँ पे हर कंट्री में लगी और फिर भी ये मूवी ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाया। फिलहाल दोनों ही मूवीज में कितना कंपैरिजन है, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ओवरसीज में ये दोनों मूवी कर पाई, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ फाइटर का, मैं आपको यहाँ पे दोस्तों बताना चाहूंगा। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो ओवरसीज में यूएसए प्लस कनाडा में फाइटर ने कमाए 6.38 मिलियन, तो वहीं बड़े में छोटे में कमाए 9,20,000, यानी कि $9,20,000। एंड यहाँ पे गल्फ कंट्री में फाइटर लगी भी नहीं थी, गल्फ कंट्री में $1.75 मिलियन का बीएमसीएम ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में फाइटर ने किया 1.14 मिलियन का, एंड यहाँ पे बीएमसीएम ने किया 201K डॉलर का, एंड न्यूजीलैंड में 308K डॉलर का फाइटर ने किया, एंड वहीं बीएमसीएम ने किया 138K डॉलर का। यूके में 1.13 मिलियन डॉलर का फाइटर ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, एंड बीएमसीएम ने की 310K डॉलर की, एंड जर्मनी 125K डॉलर फाइटर, एंड बीएमसीएम 10K यानी कि $10,000 बड़े में छोटे में। यूरोप में 325K डॉलर की फाइटर ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, एंड बीएमसीएम ने की 100K डॉलर की। APAC फाइटर 685K डॉलर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो वहीं बीएमसीएम ने APAC की 180K डॉलर की, एंड अदर कंट्रीज है 78K यानी कि $78,000 की फाइटर ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, एंड वहीं बीएमसीएम ने की 100K डॉलर की। टोटल यहाँ पे जो फाइटर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल के आता है वो आता 10.17 मिलियन डॉलर फाइटर ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, एंड बीएमसीएम ने की 3.71 मिलियन डॉलर की, जबकि बीएमसीएम अभी भी लगी हुई है। एंड यहाँ पे 11 दिनों में टोटल जितना भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बताया, लेकिन यहाँ पे फाइटर फिर भी दोस्तों ओवरसीज में बहुत ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाई बीएमसीएम के मुकाबले, जबकि बीएमसीएम दोस्तों फाइटर थे काफी बड़े बजट में बनी हुई थी, काफी बड़े बड़े स्टार बीएमसीएम में मौजूद थे और इतनी बड़ी स्टार कास्ट थी और इतना बड़ा डायरेक्टर यहाँ पे था, फिर भी बीएमसीएम फाइटर के आगे चारों खाने चित हो गए। तो इस बात से दोस्तों ये साफ जाहिर होता है कि फाइटर फिर भी इस साल की बहुत बड़ी मूवी थी, अभी फिलहाल जब तक कोई भी यहाँ पे इस फाइटर के मुकाबले कोई बड़ी मूवी रिलीज नहीं हुई, यानी कि अभी तक की आज की डेट तक की फाइटर इस साल की सबसे बड़ी फिल्म देखने में भी एंड कंटेंट में भी एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी छाई पड़ी है। फिलहाल दोस्तों ये है कि आपके हिसाब से इन दोनों मूवीज में से कौन सी बड़ी मूवी है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। कहीं गलती से भी बीएमसीएम का नाम मत ले लेना, क्योंकि यहाँ पे बीएमसीएम के जैसे ही नाम लेते हैं अच्छी बातों में तो कमेंट आ जाते हैं कि भाई इतनी डिजास्टर मूवी है आप उसको अच्छा कैसे कह रहे हो। फिलहाल ये है कि देखो बीएमसीएम यहाँ पे इतना अच्छा नहीं कर पाई है, अक्षय कुमार से हमें ज्यादा बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि अक्षय कुमार हो सकता है इस साल बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दे दें यानी कि बीएमसीएम से, लेकिन वो अपनी उस परीक्षाओं पे खरी नहीं उतरी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।